गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी आदि शंकराचार्य जी की। आदि शंकराचार्य जी जो हैं वो भगवान को कैसे देखते हैं, ब्राह्मण को कैसे देखते हैं, ईश्वर उनके लिए क्या है। आदि शंकराचार्य जी जो थे वो भगवान शिव की पूजा करते थे, वो अद्वैत में विश्वास करते थे। वो कहते थे कि आत्मा जो है और परमात्मा जो है वो एक ही है, लेकिन आत्मा को अपनी मुक्ति के लिए भगवान की पूजा करनी होती है, मेडिटेशन करना होता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी होती है। ये सब चीज़ें हमने सीखी थी आदि शंकराचार्य जी की फिलॉसफी में कल के लेक्चर में। उसी तरह से रामानुजाचार्य जी जो हैं वो बात करते हैं विशिष्ट अद्वैत की। भगवान को देखने का तरीका इनका थोड़ा अलग है, यानी कि थोड़े से ये अलग हैं आदि शंकराचार्य जी से। तो दोनों के बीच में अगर आपको डिफरेंस जानना है तो सबसे पहले आप पिछला लेक्चर सुनिए आदि शंकराचार्य जी का, कि भगवान को पाने के लिए उनका रास्ता क्या था। क्योंकि भगवान को पाने के लिए बहुत सारे अलग रास्ते होते हैं और हम अपने तरीके से अपनी सहूलियत से किसी भी रास्ते में जा सकते हैं। उसी तरह से इस लेक्चर में हम जानेंगे कि रामानुजाचार्य जी का क्या रास्ता था भगवान को पाने का। सबसे पहले हम बेसिक डिटेल की बात करते हैं। हमारे जो रामानुजाचार्य जी थे वो 11th और 12th सेंचुरी में आए थे और उन्होंने भक्ति मूवमेंट के दौरान भक्ति का प्रचार किया था लोगों में। उन्होंने बात की थी पर्सनल गॉड की, कि हम सभी को अपने इष्ट देव की, अपने प्रभु की पूजा करनी चाहिए। बेसिकली वो यहाँ बात करते हैं भगवान श्री राम की, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान विष्णु की बात करते हैं, कि हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। क्योंकि भगवान जो हैं, ब्राह्मण जो हैं, वो हैं, उनके बहुत सारे रूप हैं, आकार हैं, बहुत सारे देवी देवता हैं, वो सब उन्हीं के हैं। तो आप उनकी भी पूजा मंदिरों में जाके कर सकते हैं। जब आप सभी देवी देवताओं की पूजा करेंगे, मंदिरों में अपने इष्ट देव की पूजा करेंगे, तो बेसिकली आप ब्राह्मण की ही पूजा कर रहे हैं। तो ऐसी बात करते हैं रामानुजाचार्य जी। उनकी फिलॉसफी है फिलॉसफी ऑफ विशिष्ट अद्वैत वाड़ा। वो बात करते हैं क्वालिफाइड नॉन ड्यूलिज्म की। उनका कहना ये है कि देखो, जो आत्मा है वो ब्राह्मण से अलग तो नहीं है, लेकिन उसका हिस्सा है। वो अलग है लेकिन उसका हिस्सा है। इंडिविजुअल सोल जीवा एंड द सुप्रीम रियलिटी ब्राह्मण है, यानी कि ब्राह्मण जो है वो आत्मा से अलग है लेकिन वो उसका हिस्सा भी है। इस तरह की फिलॉसफी हमारे रामानुजाचार्य जी देते हैं। वो कहते हैं डिवोशन टू गॉड। उनका कहना है कि हमें भक्ति करनी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। रामानुजाचार्य जी एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ अनवेवरिंग डिवोशन, भक्ति टू द पर्सनल गॉड, ऑफ्टन सीन एज लॉर्ड विष्णु, हिज अवतार्स लाइक रामा कृष्णा। ही बिलीव्ड दैट थ्रू सिंसेयर एंड लविंग डिवोशन टू गॉड। उनका कहना है कि भगवान को एक प्यार की ज़रूरत होती है। अगर हम प्यार से भगवान को पुकारते हैं या उनकी पूजा करते हैं तो हम अपनी मुक्ति का रास्ता तय कर सकते हैं। वन कुड अटेन सेल्वेशन एंड लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ संसार। यानी कि उनका कहने का मतलब यह है कि इस संसार में है क्या, इस संसार में हर प्राणी जीव जंतु पशु पक्षी जन्म लेता है फिर मरता है, जन्म लेता है फिर मरता है। हमें इस साइकिल से आज़ाद होना है और साइकिल से हम तभी आज़ाद हो सकते हैं जब हम भगवान की प्रचंड भक्ति करेंगे, कीर्तन करेंगे, उनसे प्यार करेंगे। थियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन की हम रामानुजाचार्य जी की बात करते हैं। बेसिकली वो वेदांत फिलोसफी में ही विश्वास करते हैं। ब्रह्मसूत्रास हो गया, भगवत गीता हो गया, उन्हीं के आधार पे इन्होंने ये इंटरप्रिटेशन किया है, जिसे हम थियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन कहते हैं, कि हम भगवान को कैसे जान सकते हैं। ही आर्ग्यू दैट दीज टेक्स्ट सपोर्टेड हिज व्यूज ऑन द एटर्नल रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल सोल, द मटीरियल वर्ल्ड एंड गॉड। देखो, आदि शंकराचार्य जो थे उन्होंने इल्यूजन बताया था मटेरियल वर्ल्ड का। उन्होंने कहा था कि दुनिया में जो लोग हैं वो भ्रम में जी रहे हैं, वो भ्रम है, वो कुछ है ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे रामानुजाचार्य जी ने कहा कि मटेरियल वर्ल्ड भी है, लेकिन वो जो मटेरियल वर्ल्ड है वो भगवान की एक माया है, भगवान का ही एक पार्ट है, हिस्सा है। लेकिन उसमें जो रहने वाला इंडिविजुअल है वो अपने आप को अटेन कर सकता है, मुक्ति प्रदान कर सकता है, अगर वो भगवान की भक्ति करता है। यहाँ पे बात होती है रामानुजाचार्य जी के द्वारा क्वालिफाइड मोनिज्म की, यानी कि एक ईश्वर है लेकिन उसके बहुत ही सारे आकार हैं, रूप हैं, देवी देवता हैं, ये सब उसी एक ईश्वर से निकला हुआ है। इंडिविजुअल सोल्स आर नॉट एंटायरली सेपरेट फ्रॉम गॉड बट आर क्वालिटेटिवली डिफरेंट। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रेस एंड लिबरेशन, जिसे हम कहते हैं प्रसादा। प्रसाद, हमें भगवान के आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर कोई भी कार्य हमें संपन्न करना है, अगर हमें मोक्ष चाहिए, तो हमें सबसे पहले ईश्वर का आशीर्वाद मिलना बहुत ज़रूरी होता है। रामानुजाचार्य जी एम्फेसाइज्ड द रोल ऑफ डिवाइन ग्रेस प्रसाद इन द प्रोसेस ऑफ अटेनिंग लिबरेशन मोक्ष। ही बिलीव्ड दैट
वन कुड अटेन मोक्षा थ्रू द ग्रेस ऑफ गॉड बाय सरेंडरिंग टू गॉड विद डिवोशन एंड एंगेजिंग इन सेल्फलेस सर्विस, कर्म योग, अपना कर्म करना है, लोगों की सेवा करनी है, हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वो कहते हैं कि हमें मंदिरों में देवी देवताओं की भी पूजा करनी चाहिए। जब आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो यानी कि आप उस ब्राह्मण, उस भगवान के, उस कृष्ण के, उस विष्णु के, उस राम के कई सारे आकारों की पूजा कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली आप उनकी ही पूजा कर रहे हैं, तो आप देवी देवताओं की भी पूजा कर सकते हैं। तो आज हमने बात की रामानुजाचार्य जी की फिलॉसफी के बारे में, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी आदि शंकराचार्य जी की फिलॉसफी के बारे में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।